पाकिस्तान से हो, क्या कहना चाहोगे इंडिया के बारे में? इंडिया है एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग अ डे इन मक्का। यह है अपना रूम, फिलहाल इसकी हालत दिखाने जैसी है नहीं, तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं सहरी से। पाकिस्तान से हो, क्या कहना चाहोगे इंडिया के बारे में? इंडिया अच्छा मुल्क है, अपने दोस्त मुल्क है। अच्छा, और आप पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान के कुछ नहीं, हम एक ही थे पहले। हमारी बदल गई, हम दफ्तर लड़ेंगे हमारे सिटी में। रमजान भाई हमारी बहुत खिदमत करते हैं, शुक्रिया रमजान भाई। और दीदी, खास बात यह है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा जो है तो बेचारे हार्ड वर्कर ही हैं। चार घंटे सोते, चार घंटे दिन भर, फजर के बाद सोते, ग्यारह बजे उठ जाते और फिर पूरी दिन खिदमत करते हैं हुज्जाज की उम्र वालों की। बहुत बहुत ईमानदारी से काम करते, बिल्कुल काम चोरी नहीं, मैं सब लोग खुश हैं इसी से। सहरी के बाद अब टाइम है फजर की नमाज का और मैं नमाज हरम में पढ़ूँगा। ये है अपनी होटल और ये रहा क्लॉक टावर। यहाँ के रोडों पर एक खास बात है, यहाँ पे धूल बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो ही धूल है, वरना धूल बिल्कुल नहीं, मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं, गंदगी बिल्कुल नहीं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोडों पर इलेक्ट्रिसिटी के वायरों का कुछ उलझे हुए वायर वगैरह कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी अंडरग्राउंड है। कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कहीं गंदगी जमा है, कहीं पानी जमा है, जहाँ पे मच्छर पैदा हो सकते वगैरह। साफ सफाई के लिए तो बहुत अच्छा शहर है, मानना पड़ेगा। और खाने पीने के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे खाना पीना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल कम इस्तेमाल होते हैं। अपने को होना अदरक लहसुन गर्म मसाला वगैरह सब कुछ, तो ये चीज़ की यहाँ पर कमी है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर काफ़ी सूटेबल है, अपने पास 40 के ऊपर चला जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन यहाँ पे 30-35 है। और रोज़ा रहने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि भाई रोज़ा है, यहाँ पे रोज़ा बर्दाश्त कर सकते। और एक बात, आपको यहाँ पर रास्तों पर भिखारी वगैरह कोई नहीं दिखेंगे। साफ़ सफाई के लिए हमेशा 24/7 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आ गया मैं हरम में, काबे के सामने तो जगह मिलने से रही, तो हम इसके एक्सटेंशन में जाते हो गई। अब घर जाऊंगा, कुरान पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगा। टाइम हो रहा है 12:30, जोहर का टाइम है। हरम में जाने का तो टाइम नहीं है, कई लोकल मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। ये गर्मी के लिए पानी स्प्रिंकल करते हैं।
फर्क पड़ता। लेकिन असर की नमाज के लिए आप इसी जगह पकड़ना पड़ेगा, वरना बाद में एंट्री बंद हो जाती। होटल बहुत नजदीक मिला, आप पैदल आना जाना कर सकते कभी भी। ये जो व्हाइट कलर के डोम दिख रहे हैं काबे के साइड में, इसे टर्की ने बनाया था, जबकि ये खाने काबा टर्की के अंडर में था, और अभी तक ये तोड़ने नहीं दिया टर्की ने सऊदी को। محمد رسول लंबा है लेकिन रश कम है। नमाज के बाद थोड़ा टाइम है, अभी एक तवाफ करता हूँ और फिर होटल पर जाता हूँ। तवाफ भी जल्दी हो गया, अब चलता हूँ होटल पर और फिर देखते आगे क्या प्लान है। टाइम है इफ्तारी का, चलते हैं रेस्टोरेंट की ओर। नमाज के बाद टाइम है खाना खाने का। खाने में क्या है? चावल। ये मैदे की रोटी, पेट खराब हो जाता है इससे। तो ये दाल है या खिचड़ा शायद, आलू गोभी। हाँ ये चीज़ काम की है ना। सलाद नमाज और खाने के बाद अब टाइम है तरावी का। यहाँ आके मुझे लगभग 10 दिन हो गए और मैंने 10 दिनों में एक मच्छर नहीं देखा। मच्छर क्या है पता ही नहीं। ये जो जगह है, यहाँ पे इस्लाम आने से पहले ज़िंदा लड़कियों को दफन किया जाता था, तो ये उसके लिए कब्रिस्तान बनाया हुआ है पहले। अब ये हराम का एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन पहले ये कब्रिस्तान था। नमाज हो गई। यहाँ पे लॉकडाउन में कोरोना के बाद से 10 रकात कर रहे थे तरावी के, अभी तक 10 रकात ही है।
20 नहीं हुए। और यहाँ पे हर नमाज के बाद किसी न किसी की जनाजे नमाज रहती, बहुत कम रेयरली कभी तो ऐसा होता कि यहाँ पे कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएंगी। अरबी में जल्दी करने को हरेक कहते हैं, हरेक हरेक, और इंग्लिश में हरी। और काबे को लोग आइडल वर्शिप से कंपेयर करते हैं, ये ऐसा नहीं है। काबे का सिग्निफिकेंस ये है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।